नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा आयोजित MM 70% रेगुलर कोटा की क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पेपर को सॉल्व करने के पीछे कई उद्देश्य हैं। उनमें से ही जो कॉमन उद्देश्य हैं वो है कि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के क्वेश्चन हैं, इसमें फाइनेंशियल रूल के क्वेश्चन हैं, इसमें राजभाषा के क्वेश्चन हैं, और इम्पॉर्टेंट है कि ये इनके अलावा जो परचेज या स्टोर के जो क्वेश्चन होते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन है, जो ग्रुप बी के बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जो ओएस के एग्जामिनेशन होते हैं 20% एलडीसी कोटा के तहत, या फिर सीनियर क्लर्क या जो भी और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राजभाषा तो कॉमन ही है, 10 क्वेश्चन जो 10% होता है वो हमेशा ही आते हैं। तो मेरा मानना है कि इस तरह के जो इस लेवल के जो एग्जामिनेशन है इसके लिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी उपयोगी होगा, और इसमें बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन भी होंगे जो कई और एग्जाम में आए होंगे। यह मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अंत तक देखिए। मेरा विश्वास है कि यह आपके लिए उपयोगी होगा और आपके ज्ञान वर्धन में सहायता करेगा। यदि आपको ये सॉल्व पेपर अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में बताइए कि इसे और कैसे अच्छा किया जा सकता है, कैसे और एक्सप्लेन किया जा सकता है, और ज़्यादा कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए आज मिलकर कुछ नया सीखते हैं, अपने ज्ञान अपने नॉलेज में इजाफा करते हैं, वृद्धि करते हैं, एनहांस करते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की डिमांड्स क्या होती हैं। तो आपको पता ही है नॉलेज होना ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, एक्यूरेसी भी होना ज़रूरी है, लेकिन उन सब के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो हम इसमें अपने नॉलेज को प्रैक्टिस करके अपने मॉडिफाई करके देखेंगे क्या है इसके अंदर और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई लगे कि आपको कोई क्वेश्चन अगर इसमें गलत लगे कि मैंने कोई गलत आंसर जवाब दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल तो नहीं लेकिन व्हाट्सअप ज़रूर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये स्टोर डिपार्टमेंट का ही क्वेश्चन है, तो 110 क्वेश्चन हैं जिनमें से 110 में से 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है कोई भी, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3, टाइम 2 घंटे दिए गए हैं। तो इसे ये करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, व्हाट इज द टारगेट फॉर स्क्रैप सेल फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे फॉर द ईयर 2021। ये अलग अलग जोनों के लिए अलग अलग टारगेट दिए जाते हैं रेलवे बोर्ड द्वारा, ये मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग साइन किए जाते हैं, और फिर उसके बाद डिवीजनों के जो मटेरियल मैनेजर होते हैं, सीनियर मटेरियल मैनेजर, उनके साथ एक MOU साइन की जाती है और बताया जाता है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए जो 2021 के लिए है वो 150 करोड़ रुपीज़ का टारगेट दिया गया था, जो स्क्रिप्ट बेचना था उनको। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा ना, ये इसका आंसर हो जाएंगे घर नंबर, ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं, व्हाट इज टर्न ओवर रेशियो, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो ये 1 नंबर होगा, बैलेंस ऑफ बैलेंसेस एज ऑन 31st March बाई टोटल इशू ड्यूरिंग इन द ईयर इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये ही पूछा गया है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इजी सवाल है, सबको पता है रामनाथ कोविंद जी हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। मिनिस्टर हु इज़ मिनिस्टर ऑफ रेलवे, यानी कि श्री पीयूष गोयल जी इसके आंसर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अपर लिमिट फॉर लेवी ऑफ लिक्विडिटी डेट डैमेज LD इन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 10%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रेट ऑफ LD इन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट।
इसका आंसर होगा बी, ठीक है, 1/2 पर वीक और ए पार्ट ऑफ देयर ऑफ। नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। EMD सेल नॉर्मली नॉट बी कोल्ड अगेंस्ट लिमिटेड टेंडर विथ एस्टिमेट वैल्यू अप टू रुपीज इतना, इंक्लूडिंग सिंगल टेंडर ग्लोबल टेंडर। इसका सही आंसर होगा 25 लाख। ओके, नंबर 8, हु इज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम, तो जॉन मथाई सर हैं, श्री जॉन मथाई, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका आंसर, सही आंसर है डी, ये नहीं थे, ठीक है, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। 10, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईएमडी फॉर एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टेंडर अबव 25 लाख अप टू 50 लाख, 50 करोड़। द आंसर इज 2% ऑफ एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द टेंडर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20 लाख। आंसर है इसका सी। 11, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसडी फॉर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप टू 25 लाख्स, अप टू 50 करोड़। इट इज डी, 5% ऑफ द 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख्स। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एसडी। इट्स डी, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस MSME रजिस्टर्ड फॉर द आइटम इन टर्म ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर सो एंड सो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टारगेट फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम MSME। इट इज 25%। What is the target for procurement from MSME owned by women? It is 3%. Question number 15. What is the target for procurement from MSME owned by STSC? It is 4%. Which state of India is number one in number of corona positive cases detected till 29 September 2020? It is Maharashtra.
सितंबर 2020 तक भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आए गए हैं? तो महाराष्ट्र में पाए गए हैं। ओके, 17 नंबर, फ्रॉम विच सिटी ऑफ द कोरोना कोविड 19 वायरस ओरिजिनेटेड इन 2019? इट इज वुहान सिटी ऑफ चाइना। राइट, व्हाट इज द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म प्रिस्क्राइब बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? इट इज 6 feet। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सामाजिक दूरी का क्या मानक निर्धारित किया गया है? तो कम से कम 6 feet की दूरी का मानक निर्धारित किया गया उनके द्वारा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? इट्स जिनपिंग, जी जिनपिंग। ओके, चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो सी जिनपिंग नाम है, या जी जिनपिंग, आप बोलो जैसे बोलो। विच कंट्री इज नंबर वन इन नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव केसेस डिटेक्टेड टिल 29 सितंबर 2020? इट इज यूएसए, नो डाउट। यहाँ लोग भी बहुत सारे मिले हैं। राइट, इक्कीस, हु इज द फर्स्ट मेंबर ट्रांजेक्शन एंड रोलिंग स्टॉक इन न्यूली कंस्टिट्यूटेड रेलवे बोर्ड? इट्स पीसी शर्मा, आई थिंक पीसी शर्मा। हु इज द फर्स्ट मेंबर हु वॉज फर्स्ट मेंबर मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड? इज श्री बीपी पाठक। हु इज एएम स्टोर इन रेलवे बोर्ड? वी आर मिश्रा। रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य भंडार का नाम बताइए? तो ये हैं वी आर मिश्रा सर। राइट ना, व्हाट इज द पावर ऑफ डिपो डिविजनल ऑफिसर फॉर प्लेसमेंट ऑफ ए परचेज ऑर्डर ऑन अदर रेलवे यूनिट फॉर मटेरियल असिस्टेंस? इट इज फुल पावर एट बुक रेट। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। What is the power of PCMMA to accept PC recommendations? It is 200 crore rupees. What is the power of ASEAN to accept PC recommendations? It is 500 crore rupees. इसे ध्यान से देखिएगा, PCMM जो है वो 200 तक हैं और ASEAN जो है वो 500 तक लेते हैं, मतलब रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ GM टू एक्सेप्ट रिकमेंडेशन वेयर ASEAN इज पोस्टेड? ठीक है, जहां ASEAN पोस्टेड वहां न्यूदा संविदा की संस्तुति स्वीकार करने का GM का पावर क्या है, यानी कि उनका क्या पावर है, क्या पावर है? तो इनका जो पावर है ना, वो जो 500 करोड़ रुपये तक ASEAN का था ना, उसको ऊपर ले जाते हैं ये। ठीक है, ये यस 500 करोड़ रुपीस। पीसी में मार्क एज टीसी मेंबर फॉर द टीसी केस ऑफ वैल्यू, इट इज अबव 200 करोड़ रुपीज। ठीक है,
क्योंकि वहाँ तक तो खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो 200 करोड़ रुपये से उससे ऊपर वो एज ए मेंबर हो जाते हैं। राइट, कम ऑन। ए नॉन स्टॉक रिक्विजिशन ऑफ वैल्यू मोर देन 45 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाई PHOD, CHOD of user department. A JG and SAG officer of user department can sign PSC up to 15 lakhs. 15 लाख रुपए तक। इसमें ABC करके कॉलम होते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में हम कभी और अच्छी तरह से बात करेंगे, पर 15 लाख तक वो साइन कर सकते हैं। ठीक है, और 15 लाख से 25 लाख के बीच जो सिग्नेचर करने का पावर है ना, ये यहाँ पे है। एक तो SAG होना चाहिए, ADRM हो तो अच्छा है, CWM हो तो वर्कशॉप में हो तो वो अच्छा है। ठीक है, जो सीनियर ब्रांच ऑफिसर होते हैं वो SAG होते हैं, जो कि लेवल के जो होते हैं, या फिर सीनियर MM होते हैं, या फिर जो भी सीनियर आगे लग जाना डिविजनल ऑफिसर के, तो उनका तो ये 15 से 25 के बीच में है, और 15 लाख तक जो है PSC JG वाले करेंगे या SG वाले करेंगे, सीनियर ग्रेड या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर जो होते हैं वो करते हैं। राइट, आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वेटिंग लिमिट फॉर नॉन स्टॉक इंडेंट फॉर पैसेंजर नेसेसिटी आइटम, इट इज अबव 10 लैक्स। ठीक है, थर्टी थ्री, वेटिंग लिमिट फॉर नॉन स्टॉक इंडियन फॉर अदर देन सेफ्टी एंड पैसेंजर एमिनिटी आइटम इज, इट इज 8 लाख रुपये। ठीक है, वेटिंग लिमिट फॉर नॉन स्टॉक इंडियन फॉर सेफ्टी आइटम इज, अबव 10 लाख। राइट, what is the waiting limit for purchase order for safety item, yahi main kehna chah raha tha, ye above 15 lakhs waiting ke liye jayenge purchase order, और अगर वेटिंग पैसेंजर एम पीज नहीं है तो 8 लाख के ऊपर नॉन सेफ्टी वाले जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ क्या कह रहा है, 36, व्हाट इज वेटिंग लिमिट फॉर परचेज ऑर्डर फॉर अदर देन सेफ्टी एंड पैसेंजर नेसेसिटी आइटम, हाँ नॉन सेफ्टी वाला, ये आंसर जो होगा ना ये होगा 8 लाख के ऊपर। राइट, थर्टी सेवन, वॉट इज वेटिंग लिमिट ऑफ परचेज ऑर्डर बोथ स्टॉक एंड नॉन स्टॉक वेयर परचेज ऑर्डर आर जनरेटेड डायरेक्टली बाई IMM बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टेंस TC रिकमेंडेशन, विल नॉट बी नॉट रिक्वायर्ड वेटिंग, वेटिंग की आवश्यकता नहीं होती वो जब जनरेट होता है तो, मेरे ख्याल से। आप बताइए आपको क्या लगता है, आपने भी तो पढ़ा होगा ना, आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन,
इन नॉर्मल केस, ओके ना, हाँ, इन नॉर्मल केस व्हाट इज द लिमिट अप टू विच लिमिटेड टेंडर कैन बी इशूड। तो इसकी लिमिट 25 लाख है। लेकिन एक और बात है, कभी एक न्याय आया है कि भाई अगर जो एमएम होते हैं ना उनको 1 लाख से ऊपर लिमिटेड टेंडर करना है तो सीनियर की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, यानी कि सीनियर एमएम में या जो भी ऊपर होते हैं उनको। ये डिविजन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे वेस्टर्न रेलवे में ऐसा हुआ है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। 39 जो है वो कहता है कि इन इमरजेंसी व्हाट इज़ द पावर ऑफ डिप्टी सीएमएम फॉर इशू ऑफ लिमिटेड टेंडर, इट्स अ 1 करोड़। डिप्टी सीएमएम इज इक्विवेलेंट टू आवर सीनियर एमएम, ओके। इन इमरजेंसी व्हाट इज द पावर ऑफ पीसीएमएम फॉर इशू लिमिटेड टेंडर, इट्स अ 10 करोड़। व्हाट इज द पावर ऑफ सीएमएम फॉर इशू ऑफ लिमिटेड टेंडर फॉर आइटम फॉर विच अप्रूव्ड लिस्ट इज इशूड बाय द सेंट्रलाइज्ड एजेंसी आरडीएसओ पीयू प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि और कोर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इट इज 5 करोड़ रुपीज। ठीक है, ये डीपीसीएमएम में है, देखो आपको समझना पड़ेगा। इनके ऊपर पीसीएमएम है और इनसे नीचे डीपीसीएमएम है, बीपीसीएमएम है। तो उस हिसाब से आप देखने जाओ तो ये 3 क्वेश्चन समझ में आपको आएंगे, 1 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। व्हाट इज द पावर ऑफ पीसीएमएम एंड सीएमएम फॉर इशू ऑफ सिंगल टेंडर इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, इट इज 8 लाख। 8 लाख का नॉर्मल सिंगल टेंडर कर सकते हैं एज पर पावर। ठीक है, ये यहाँ पे भी आएगा। What is the power of PCMM and CMM for issue of single tender in emergency affecting maintenance, outturn and operation etc. It is 45 lakhs. What is the power of PCMM and CMM for issue of single tender in case of safety passenger necessity item below 2 month stock? It is 1 crore, I think. Yes, right, 1 crore. What is the power of DTCMM for urgency certificate in case of receipt of a single quotation against limited tender if prices are found to be reasonable? It's 8 lakh rupees. ठीक है, इसे हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। सीमित निविदा में यदि एक ऑफर आया हो और रेट उचित हो, ऐसे केस में उप मुख्य सामग्री प्रबंधक का अर्जेंसी प्रमाणित करने का क्या पावर है? तो 8 लाख पावर है, जो अमाउंट है वो 8 लाख तक उनका पावर में है। नंबर 46, इट इज व्हाट इज द पावर ऑफ जोनल रेलवे टू परचेज एमएनपी विदाउट गेटिंग डिस्पेंसेशन ऑफ सीओएफ एमओडब्ल्यू। ठीक है, ये 30 लाख तक है इनका पावर। ये ठीक है, मशीन एंड प्लांट्स एमएनपी। What is the label of TC for JAG officer?
इट्स अबव 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, इसका आंसर इसको रखो आप, ए। आप चाहो तो इसे डायरी में मेंटेन कर सकते हो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सेप्टेंस पावर ऑफ डीपीसी मैम? इट्स अ 50 लाख रुपीज। यस, व्हाट इज द पावर ऑफ डीपीसी मैम फॉर साइनिंग परचेज ऑर्डर? इट्स अ फुल पावर। What is the power of DPCMM to write off loss due to risk purchase, general damage and liquidate damage? It's 40,000 rupees only. Right? Risk purchase, general damage या एलडी के कारण होने वाले नुकसान को बट्टे खाते में डालने के लिए उप मुख्य सामग्री प्रबंधक का पावर क्या है? 40,000 रुपये तक है। हु विल एक्सेप्ट द टीसी ऑफ सिनेडीएमएम फॉर टेंडर केस अबव 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़? इट इज एडीआरएम। अभी एसीसी की बात कर रहे थे ना, ये होते तो दोनों ही है, कभी 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 क्या जनरली होता है, एसीसी जो हमारे सीनेडियम सर होते हैं वो एसएसजी भी होते हैं और वो भी होते हैं, तो लेकिन फिर भी जो पावर दिया गया है 1 से 10 करोड़ के बीच में, एडीआरएम ही वो टेंडर को एक्सेप्ट करते हैं। जो डिवीजन लेवल पे कुछ काम करते हैं उनको पता हुआ है, होना भी चाहिए क्योंकि आप ग्रुप ई ऑफिसर के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए। वैसे एसओपी देख लेने के बाद तो सब पता ही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। Items which have not been issued from a stock for railway consumption for a period of 2 years are known as a surplus item, right? Which of the following is correct order of posting of vouchers? Purchase voucher, book transfer, depot transfer receipt, departmental stock and verification sheet. No. ये होगा departmental पहले आएगा, तो देखते हैं इसको। डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन, परचेज वाउचर, बुक ट्रांसफर एंड डिपो ट्रांसफर रिसिप्ट, इट्स अ बी। अब बी को आंसर यहाँ लगाओ आप और ध्यान से आप पढ़ो आप, ठीक है ना, यही इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, हम इसका आंसर देते हैं। रिसीव्ड वाउचर शुड बी पोस्टेड इन द लेजर कार्ड प्रियर टू द पोस्टिंग ऑफ द इशू वाउचर फॉर द डे। राइट राइट, यही सही आंसर है। ठीक है, यही है, एक ही को मानना है तो फिर बाकी लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ बी कैटेगरी आइटम बाय अकाउंट डिपार्टमेंट? इट्स वंस इन ए ईयर। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ बी कैटेगरी आइटम बाय अकाउंट डिपार्टमेंट? इट्स वंस इन ए ईयर। वंस इन ए ईयर, इसको रखते हैं थोड़ा आंसर को।
व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ ए कैटेगरी आइटम बाय स्टॉक अकाउंट डिपार्टमेंट? वंस इन ए 6 मंथ, ऐसे होगा यहाँ पे, ठीक है ना, वंस इन 6 मंथ, राइट। नाउ व्हाट इज द फ्री डिलीवरी टाइम अलाउड फॉर डिपो लॉट्स? इट्स 40 डेज। व्हाट इज फ्री टाइम अलाउड फॉर लॉट ऑफ PVA स्क्रेप एंड रोलिंग स्टॉक? ठीक है, इट्स 50 डेज। व्हाट इज द व्हाट इज अमाउंट ऑफ EMD इन ए स्क्रेप सेल? इट्स 10%। What is free time allowed for payment of balance sale value for sale value of lot up to 3 lakhs? It's a 10 days. 3 lakh तक के lot में balance sale value जमा करने के लिए कितना free समय दिया गया है? 10 दिन दिया गया है। तीन लाख से अधिक लॉट में बैलेंस सेल वैल्यू जमा करने के लिए कितना समय दिया गया है? 15 दिन दिया गया। 3 लाख से अधिक के लिए 15 दिन और 3 लाख तक के लिए 10 दिन दिया गया है। डिपो लॉट में ब्याज के साथ बैलेंस सेल वैल्यू जमा करने के लिए कितना समय दिया गया है? 35 days. Yes, 35 days. PVA स्क्रेप लॉट में ब्याज के साथ बैलेंस सेल वैल्यू जमा करने के लिए कितना समय दिया गया है? ये है 40 दिन। किसी सवाल का आंसर में आपको लगे, आपको शंका पैदा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जहां तक प्रयास किया जाएगा कि आपके शंका को दूर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 65। बिना सर्वे कमेटी के डिपो स्टॉक को सेकेंड हैंड या स्क्रैप घोषित करने का डिपो ऑफिसर का क्या पावर है? ठीक है, तो एवरी आइटम जो होता है, पर आइटम जो होंगे ना, वो 5,000 रुपये कर सकता है वो। ठीक है, 66। डिपो स्टॉक को सेकेंड हैंड स्क्रैप घोषित करने के लिए सर्वे कमेटी की संस्तुति को स्वीकार करने पर PCMM का क्या पावर है? 5 लाख उनको है और यहाँ पे 5,000 वहाँ पे है और यहाँ 5 लाख है। व्हाट इज द पावर ऑफ PCMM फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ सर्वे कमेटी टू रिक्लासीफाई द स्टोर इन स्टॉक एंड टू रेट देम एज सेकेंड हैंड और स्क्रैप इज 5 लाख पर आइटम? ओके, व्हाट इज द पावर ऑफ डिपो ऑफिसर इन सीनियर स्केल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सर्वे कमेटी टू रिक्लासीफाई द स्टोर्स इन ए स्टॉक एंड टू रेट देम एज सेकेंड हैंड और स्क्रैप? इट इज 25,000 पर आइटम। IRS टर्म एंड कंडीशन पैरा नंबर 2900 डील्स विथ जिससे एट्रीब्यूशन, मतलब जो क्या बोलेंगे, विवाद में की स्थिति में
आर्टरी एब्रिटेशन से संबंधित है, आर्बिट्रेशन इन केस ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। एज पर IRS कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हु विल अपॉइंट आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ डिस्प्यूट, तो ये कंडीशन के लिए GM है जो ये करेंगे, ठीक है ना, राइट, GM को पावर है। व्हाट इज द टारगेट बाई टारगेट सेट बाई रेलवे बोर्ड फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी आइटम्स, इट्स 100%, क्योंकि सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखो कि सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज। संरक्षा मदों की उपलब्धता के बारे में रेलवे बोर्ड ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया, तो 100% उनको लक्ष्य है इनका 100%। 71, सेंसर इज ए टाइप ऑफ पनिशमेंट, सेंसर जो होता है पर जो होता है ना माइनर होता है, ठीक है ना। ट्रांसफर इज ए पनिशमेंट, नॉट, ट्रांसफर इज ए नॉट ए पनिशमेंट, ठीक है, प्रमोशन के साथ भी ट्रांसफर तो होता है, तो कई दफ़ा ट्रांसफर पनिशमेंट हो सकता है लेकिन जनरली नहीं होता है, नॉट ए पनिशमेंट, ठीक है। द पेनल्टी ऑफ विथ हेल्ड होल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड इज ए माइनर पेनल्टी, ठीक है, इसका आंसर ये होना चाहिए, डीआर का क्वेश्चन है। पेनल्टी, द पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट इज ए मेजर पेनल्टी, ठीक है ना। ये गलत है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे हिंदी में ये हो जाएगा, टाइपिंग इधर है, इसको इग्नोर किया जाए, ठीक है ना। 75, हाउ मेनी प्रिविलेज पासेस आर एडमिसेबल टू ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स, इट्स अ सिक्स सेट, एवरीबॉडी नोट्स, ठीक है ना, क ख के अधिकारियों को 6 सेट पास मिलते हैं और 4 सेट वीडियो। 76, हाउ मेनी पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासिस आर एडमिसेबल टू ए ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर विथ मिनिमम 25 ईयर सर्विस, इज 3 सेट हाफ, ठीक है ना, ये 3 सेट। 76, ए रेलवे सर्वेंट परमानेंट और ए टेम्पररी अदर देन ओनली, नहीं सॉरी, ए रेलवे सर्वेंट परमानेंट और ए टेम्पररी अदर देन वन हु इज सर्विंग इन ए रेलवे स्कूल शैल बी एंटाइटल टू डेज ऑफ LP डैश डेज LP ऑन एवरेज पे इन ए कैलेंडर ईयर। यहाँ पे 30 हो जाएगा, 15 दिन होंगे, क्यों होंगे ये समझने वाली बात है। क्योंकि टेम्पररी अदर देन वन हु सर्विंग इन रेलवे स्कूल, देखो हिंदी में क्या देता है, एक रेलवे कर्मचारी जो स्कूल के अलावा अन्य पदास्थापित है को वर्ष में 30 दिन की LP मिलेगी, 15 दिन की, ठीक है, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई, दिस इज द राइट आंसर। आप इसमें 10 दिन मत मार देना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैजुअल लीव एडमिसेबल टू रेलवे सर्वेंट, इट्स 8 डेज, ठीक है ना, 12 दिन वो जो फिजिकली चैलेंज होते हैं ना उनको 4 दिन का एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये उनके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स,
इन द फॉलोइंग द टोटल लीव इनकेशमेंट परमिटेड टू ए रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग द इंटायर कैरियर शैल नॉट एक्सीड 60 डेज. 6 बार मिलेगा, 10 दिन का मिलेगा, तो ये इसका है, ठीक है ना. आप 300 दिन मत दे देना, क्योंकि वो इनका कहने का मतलब नहीं, इंटायर सर्विस में जो बोल रहे हैं ना, कहाँ गया इंटायर सर्विस, तो वो तो अलग है. वॉट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू ए रेलवे सर्वेंट? इट्स 20 लाख रुपीज, नो डाउट. ओके, वॉट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव इनकेसमेंट एट द टाइम ऑफ सुपरवाइजर? यस, इट्स 300 डेज, राइट. LHAP ऑफ हाउ मेनी डेज इज क्रेडिटेड टू लीव अकाउंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर ध्यान से नहीं पढ़ूँ तो ये मैं मार दूंगा, ये 20 डेज, ठीक है. लेकिन यहाँ कह रहा है कि 1 जनवरी एंड 1 जुलाई, दैट मीन्स ओनली 10 डेज. पहली जनवरी को 10 दिन मिलेंगे और पहली जुलाई को 10 दिन मिलेंगे, तो इसका आंसर, सही आंसर यही होगा, ठीक है ना. आप 20 दिन मत मार देना, यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा. What is the amount of subscription payable to provident fund in case of a railway servant who joined before 1/1/2004? It's a 1/12 of the subscriber emoluments for that month. It's a answer, right? एक महीने के वेतन का 12वां भाग, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना. और एक एक 2004 के बाद तो वो 10% प्लस DA होता है जो NPS में आ जाते हैं, ठीक ना. नाउ 84. एक रेल कर्मचारी जिसका स्थानांतरण 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हुआ है, उसे कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो 12 दिन लग रहे हैं, ठीक है. क्यों लग रहे हैं? हाउ मच ज्वाइनिंग टाइम सेल बी अलाउड टू ए रेलवे सर्वेंट इन द केसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर एंड ऑल्सो इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेसिडेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्टेशन इज लेस देन 1000 किलोमीटर? अब देखो, हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा डिफरेंस है. लेस देन 1000 किलोमीटर यहाँ पे बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से ये 10 डेज हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर हुआ है, तो यहाँ पे 12 दिन आंसर हो जाएंगे. ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है. तो जैसे कि आपको पता ही है कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ना, वही वैलिड माना जाएगा, तो यहाँ पे आंसर 3 डेज हो जाएंगे. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग है, तो कंडक्ट रूल 13A जो है ना, पर्टेन टू द डाउरी सिस्टम से है, यानी कि दहेज से है, और 13 जो है वो गिफ्ट से है, ठीक है. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप. 86 जो है, ये कहता है कि ए फर्म हैज डिस्पेस्ड मटेरियल अगेंस्ट ए परचेज ऑर्डर एंड 95% पेमेंट हैज बीन मेड बट मटेरियल हैज नॉट रीच्ड डिपो सो फार, वेयर विल दिस अमाउंट ऑफ पेमेंट विल अपीयर?
इट्स इन परचेज सस्पेंस, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हिंदी में देखिए, एक फर्म ने परचेज ऑर्डर के विरुद्ध माल की सप्लाई करके 95% भुगतान ले लिया है, लेकिन माल अभी तक डिपो नहीं पहुंचा है, तो यह धनराशि कहाँ दिखेगी? तो परचेज जो सस्पेंस होता है ना, उनका एक खेल होता है, तो वहाँ दिखेगी। 87 देखिए, एक मेटेरियल डिपो से दूसरे रेल को इशू किया गया, लेकिन उस रेल ने अभी तक उसका डेबिट स्वीकार नहीं किया है, इस मटेरियल का मूल्य कहाँ दिखेगा? ठीक है, तो ये सेल सस्पेंस में दिखेगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये यहाँ पे है, एन आइटम फ्रॉम ए डिपो हैज बीन इशू टू अदर रेलवे ऑन असिस्टेंस, द अदर रेलवे हैज नॉट एक्सेप्टेड द डेबिट सो फॉर, द वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल विल अपीयर एज सेल सस्पेंशन। ओके, सेल सस्पेंशन दिखेगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, ही मींस अगेंस्ट परफॉर्मा इनवॉइस इन ए डायरेक्ट एक्सेप्टेंस केस, विल रिक्वायर फाइनेंस कंकरेंस। Payment against performa invoice in a direct acceptance case will require finance concurrence। ठीक है, वित्तीय सहमति होना जरूरी है, तो इसका आंसर सही आंसर यही होगा। ठीक है, फाइनेंस वेटिंग और फाइनेंस कंकरेंस दोनों में डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है, इसको हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। 89 ये आता है, 89। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, ए परचेज ऑर्डर ऑफ द वैल्यू 18 लाख अगेंस्ट ए डायरेक्ट एक्सेप्टेंस टेंडर केस विल बी रिक्वायर्ड फाइनेंस वेटिंग। ओके, एक डायरेक्ट एक्सेप्टेंस के टेंडर के केस में जिसका वैल्यू 18 लाख है, परचेज ऑर्डर जारी करने के लिए अकाउंट वेटिंग की आवश्यकता होगी। ठीक है, वित्तीय सहमति और अकाउंट वेटिंग में अंतर है, कभी इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाते हैं, छोटा वीडियो होगा 2-4 मिनट में। Who examined the annual audit report submitted to Parliament? ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना, वो जारी करती है, यानी कि हिंदी में हो गया लोक लेखा समिति और इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक, स्टोर बजट इज ए पार्ट ऑफ विच डिमांड सिस्टम, नो डाउट इट्स पार्ट ऑफ सिस्टम। What do we call the fund allotted by Railway Board for purchase of stock item? It's a purchase grant. Okay? Purchase grant. आप इसको मारो, ये सही होगा। In which book the detailed distribution of budget allotment to railway administration is contained? It's a pink book, right? It's a pink book. Okay. When a material transferred from a depot has not reached other depot, it will appear in. It's a sent
राइट, यही होगा सिंथ में है। कहाँ दिखेगा, सिंथ में दिखेगा। टू विच हेड रॉ मटेरियल इशूड टू प्राइवेट फैक्ट्री फॉर फैब्रिकेशन विल बी चार्ज टू। WMF, ओके, फैब्रिकेशन के लिए प्राइवेट पार्टी को दिया गया कच्चा माल किस हेड में बुक होगा, WMS में होगा। 96, सामान्यतः कारखाने का जारी होने वाला माल किस हेड में बुक होता है, मुझे लगता है कि 95 गलत आंसर है। इसका आंसर यहाँ पे है 96 का, ठीक है। 95 का मिसलेनियस एडवांस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। फैब्रिकेशन करने के लिए प्राइवेट पार्टी का दिया गया कच्चा माल किस हेड में बुक होगा, मिसलेनियस एडवांस कैपिटल में होगा, राइट। और जो यहाँ पे सामान कारखाने को जारी किया गया माल है किस में बुक होगा, WMS में होगा, ठीक है। आप बताइएगा, ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप ज़रूर इसका एक्सप्लेन कीजिएगा इनबॉक्स में, ताकि और लोगों को पता चले। 97 गोज टू Which of the following does not pertain audit? देखो स्पेशल लेटर ड्राफ्ट पारा है, ओरिजिनल पारा भी है, लेकिन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो इससे कोई लेना देना नहीं है ऑडिट से, राइट। हु इज पी एफ ए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, यहाँ आंसर है, ठीक है, श्रीमती तनुजा पांडे। वेस्टर्न रेलवे का पीएफए कौन है, आप बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, वेस्टर्न रेलवे के हैं श्रीमती क्या नाम है उनका, उमा राणा डे, राइट, उमा राणा डे वेस्टर्न रेलवे के पीएफए हैं, प्रिंसिपल फाइनेंस, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको और कहीं की पता है, ठीक है। जो पी एफ होता है ना, प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर होते हैं, तो वो है। 100 जो है वो व्हिच सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू क्लियर बैलेंस इन ए स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, इट्स ए जीएम फाइनल अथॉरिटी आई थिंक, राइट, यही होंगे। स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट क्लियर करने के लिए किसकी सिक्योरिटी चाहिए, तो जीएम की चाहिए, इससे नीचे तो क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं राजभाषा, ठीक है ना, और राजभाषा सबके लिए कॉमन है, आप चाहें तो मैं इस पे टाइम सेट कर दूंगा कि कितने सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राजभाषा। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कम ऑन, वन सेकेंड। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन से हैं, क ख ग, ठीक है, राइट। अंडमान निकोबार किस में आता है, अंडमान निकोबार क क्षेत्र में आता है, यानी कि इसका आंसर ये है, क क्षेत्र यहाँ है, गौ में, यानी कि सी आंसर में गौ है, ठीक है। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र में आते हैं, पंजाब आता है, क्योंकि देखो बाकी सब हिंदी भाषी राज्य हैं और ये क क्षेत्र में आते हैं। 105, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधिता क्या है, 3 महीने में एक बार, ठीक है।
रेलवे स्टेशन पर स्टेशन रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर है इस तरह, पहले तो आर होगा, ठीक है, उसके बाद एच होगा, उसके बाद ये होगा। रीजनल हिंदी और इंग्लिश, अब देखते हैं इसमें से कौन सा है। अंग्रेजी से स्टार्ट होता है, ये नहीं होगा, अंग्रेजी से स्टार्ट होता है, ये भी नहीं होगा, और ये हिंदी से होता है, यानी कि इसका आंसर ग होगा, ठीक है। आर हो गया, आर हो गया, एच हो गया और ई हो गया, ठीक है। तो इसका ये है रीजनल हिंदी इन इंग्लिश, ये स्टार्ट होते हैं। नाउ राजभाषा नियम कब बने थे? 1963 में बने थे और 1967 में संशोधित हुए थे। चलिए राजभाषा नियम कौन सा लक्षद्वीप किसमें आता है? लक्षद्वीप ग क्षेत्र में आता है, ठीक है, ग ग ग यहाँ ये क्वेश्चन आता ही है, तो इस तरह के क्वेश्चन को स्टेट वाइज याद कर लेना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूल बता रहा है, रूल तो 76 में बने थे भाई, ठीक ना, ये 76 में बने थे, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा राजभाषा नियम, ठीक है। ठीक है, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? ये अमित शाह सर की मंत्रालय करता है, यानी कि राजभाषा जो है हिंदी गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। चलिए हमने इसे काफ़ी जल्दी से निपटा डाला, 2 घंटे का पेपर था, हमने काफ़ी तेज़ी से इसको बनाया है, कोई कमी रह जाए तो आप बताइए, देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के नियर एंड डियर के मदद कर सकता है तो ज़रूर उसके साथ शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में, शेयर करना आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। आप जब भी देखें एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये वीडियो आपके लिए ही है, आपके पास आपका टाइम जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में बाद में देख सकते हैं, लेकिन इसे अपने स्टार मार्क में रखिए ताकि जब कभी भी आपकी इच्छा हो कहीं भी जाते आते आप इसको देख सकते हैं, ये आपके लिए बना है। सजेशन दीजिए अगर आपको कुछ गलत लगता है, या फिर मैं कुछ और इसको पार्ट वाइज बना दूँ ऐसा आपको लगे तो आप बताइए, कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो सॉल्व तो करना ही है, आप टाइम बाउंड में करके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।